इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब तक पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एसएचओ और एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। पीड़ित महिला को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। महिला की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कल ऐसी खबरें आई थी कि कई लोग सोसाइटी के अंदर घुस आए थे और महिला का पता पूछ रहे थे, जिसने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले पर खासा हंगामा हुआ और अब इस मामले में महिला को न सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराई गई है बल्कि कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें एसएचओ और एसआई भी शुमार हैं। नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में 1 सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता के को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनके शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। भगोड़े त्यागी पर सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सूरजपुर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी को झटका लगा। उसने सरेंडर अर्जी दी लेकिन 10 अगस्त की तारीख उसकी सरेंडर अर्जी पर दी गई है। इस बीच भंगेल के मार्केट में लगातार दबिश दी जा रही है। जीएसटी की टीम ने यहां पड़ताल की है। वहीं नोएडा पुलिस ने उसका पोस्टर जारी किया है और 25,000 के इनाम का ऐलान किया है। 5 राज्यों की पुलिस श्रीकांत त्यागी की तलाश में है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं लखनऊ के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में ऋषिकेश और देहरादून में भी उसकी तलाश की जा रही है। दोनों राज्यों की पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में है और 6 तस्वीरें बुलडोजर एक्शन में है। जिस अवैध निर्माण को लेकर सोसाइटी के लोगों पर धौंस जमा रहा था श्रीकांत त्यागी, उस अवैध निर्माण को ढा दिया गया। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।